गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरा एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों मुझे जो है सर्दी हुआ है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे मैंने एक तो बैग लिया है। तो दोस्तों आज जो है बाजार जाने वाला है खेत में, तो मैं उसके लिए सब्जी को कलेक्टिंग करूँगी। मम्मी ने बोला था कुछ सब्जी मतलब ला दो बोल के, क्योंकि वहाँ पर सब्जियाँ का कमी हो गया है। तो हम लोग चलते हैं सब्जियाँ लेने के लिए, और कुछ कुछ जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ सामान यहाँ पर डाल के ले जाएंगे। बहुत ही बड़ा सा बैग है। और वैसे मैं यहाँ पे अभी तोड़ूंगी दुमोरसुमी, यहाँ से दुमोरसुमी तोड़ूंगी। यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा स्नो आता है आजकल, ठंडा का सीज़न आ रहा है, और मैंने भी बहुत ही बड़ा सा पूरा स्वेटर पहन लिया है बच्चा का जैसा वाला। तो दोस्तों फाइनली अभी इतना मिल चुका है, और भी ज़्यादा तोड़ना है क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ा ज़्यादा लाओ बोल के, उसका फेवरेट था शायद। आहा, इस तरह से होते हैं। सारा तोड़ के हो चुका है, तो मैं भी यहाँ से भी तोड़ दूंगी। अमी लोगों ने कहते हम लोग ये खत्ता खत्ता होता है खाने में, लेकिन अच्छा लगता है। देखो बस क्या क्या लग गया, पूरा पेड़ का ऊपर से गिर गया था। और दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सींग भी इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ से हम लोग अभी मूला तोड़ते हैं। मूला बहुत ही पूरा बड़ा नहीं, ये तो पूरा फट गया, यहाँ का बढ़िया है। वाओ इतना बढ़िया है दोस्तों, इसे तोड़ना पड़ेगा पूरा निचोड़ के ऐसे करके। वाओ दोस्तों फाइनली यहाँ पे बहुत सारा सब्जी जो है कलेक्ट करके हो चुका है। यहाँ पे बुद्ध मौसमी हुआ है, और यहाँ पे है अमली खत्ता होता है, और यहाँ पे है मूली वगैरह। और मैं वहाँ से अभी जाऊँगी लोकल वाला धनिया तोड़ने के लिए। देखो गाइस बहुत ही पूरा सुंदर सुंदर धनिया है यहाँ पे, तो मैं मम्मी के लिए भी यहाँ पे तोड़ दूँगी लोकल वाला धनिया। वाओ हो गया दोस्तों फाइनली तोड़ के। अभी वैसे फटाफट जाके यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे लगे हैं लोखेल लोखेल वाला सिंग, बहुत टेस्टी होता है। तो इसे मैं थोड़ा बहुत तोड़ूंगी, लेकिन अभी छोटा छोटा है, कुछ दिन में बहुत हो जाएगा बहुत सारा। और गाइस यहाँ पे लोखेल स्टाइल से यहाँ पे जो है सुपारी अब मिट्टी के अंदर में गद्दा खोद के रख दिया था बहुत सारा, तो यहाँ से भी कुछ कुछ सुपारियाँ लेके जाना है, और साथ में फान भी लेके जाएंगे हम लोग। ये रहे पूरा सड़ा हुआ जैसा है, लेकिन इसका जो अंदर में होता है थोड़ा अजीब सा मतलब खुशबू आता है, लेकिन अच्छा लगता है खाने के लिए। तो यहाँ तो दोस्तों अभी लगभग तो सब्जियाँ खाली करके हो चुका है। तो यहाँ पे है साग जो मैंने कल शाम को कलेक्ट किया था, लेकिन मैं बस यहाँ मैं डाल दूँगी। तो बहुत ही सारा सब्जियाँ कलेक्ट निकाल के हो चुका है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं जुड़ रहा था, यहाँ पे थंबनेल के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे घर पे आ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग जो है मेरा यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा पता नहीं क्या क्या लग गया था। पेड़ के नीचे में गया था ना, देखो गाइस मैंने जो वहाँ से सींग थोड़ा था, तो वहाँ से ऐसे करके चिपक गया है मेरा स्वेटर का यहाँ पे। सो गाइस मैंने और यहाँ से पूरा ताज़ा ताज़ा अदरक यहाँ से उखाड़ लिया है, तो मैं इसको भी ले जाऊंगी। सो गाइस यहाँ पे भैया भी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, और यहाँ पे ये रखा है, और यहाँ पे ये सब कुछ। चलो तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गया है खेत में, तो और देखते हैं और ये सामान वगैरह को ऊपर रख देना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गया है खेत में, तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लिया है, और यहाँ पे भैया है, और वैसे यहाँ पे मम्मी और पापा भी है। बंगला घर है ये हमारा, टेम्पररी घर है। हाँ इसमें टीवी लगाया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है घर पे पहुंच गया है भैया और मैं, तो मैं भी खाना खाऊंगी, भैया तो बाद में खाएगा, अभी वो वीडियो अपलोडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे पूछूंगा, और ये रहा यहाँ पे मेरा बलून, और गैस यहाँ पे भैया जो है वीडियो अपलोडिंग कर रहे हैं। 5G मिलता है यहाँ पर, हाँ 5G के साथ दूसरा जगह में नहीं मिलता है 5G फुल।
देख सकते हो गाइस पूरा 5G फुल है। 5G फुल, प्रो 5G फुल, आजकल इतना इजी हो गया ना। गाइस पहले में आप लोग देखते होंगे कि ये भैया को जो है पहले में बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था पूरा रात को, लेकिन आजकल जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि रात को दूर जाना नहीं पड़ता है और और भैया को मच्छरों को खाने नहीं मिल रहा है, खून चूसने नहीं मिल रहा है, तो चलो जो भी हो। और यहाँ पे है मेरा प्रोजेक्ट बना के हो गया है, वहाँ पे मोटर को ऑन किया है तो यहाँ पे पानी भरूंगी क्योंकि मुझे धोना है और यूनिफॉर्म को भी वॉश करना है गाइस। इसको सबसे पहले भरने देते हैं उसके बाद धोना शुरू। तो मैंने अभी नहा लिया है और मैंने इसका यूनिफॉर्म भी धो लिया है। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे आई हूँ संतरा खाने के लिए। हम लोग का पेड़ से ऊपर में है संतरा का पेड़, तो मैं अभी इसके ये वाला दंदा के जरिए तोड़ूंगी और मैं खाऊंगी मजा से पूरा संतरा इतना ऊँचा ऊँचा है, लेकिन एक तो मैं तिकड़ी। तो दोस्तों यहाँ से मैंने जो है एक तो बड़ा सा लेमन ले लिया है यहाँ पे, ये है मेरा दोस्त नमोदिता ओए। तो गाइस यहाँ से ना ये बहुत सारा लेमन लेके जा रही है क्योंकि घर पे जूस बना के खाया ना, मैंने पूरा कच्चा कच्चा खा दिया इसका छिलका, लेकिन ना काफ़ी बहुत ही मज़ा लग रहा है। तो दोस्तों और यहाँ पे जो है अभी शाम का वक्त हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैं यहाँ पे छिलका खा रही हूँ, लेमन का काफ़ी अच्छा है। और गाइस मैं अभी नमोदिता का साथ में जा रही हूँ, वो मेरा इकोनॉमिक्स का बुक लेने के लिए उसका घर में था। तो गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट। पीछे पीछे ये फोन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा है खेत है ये लोग का, तो वहाँ पे आंटी जी जो है आलू का लाइन में वहाँ पे ना दवाई लगा दे रहे हैं। ये रहा मेरा बुक फाइनली मिल गया गाइस, ये लिख दिया थैंक यू वेलकम। इसका अंदर में था मज़ा। सो गाइस फाइनली मेरा बुक मिल गया है, तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से। और यहाँ से जाने के बाद मुझे बनाना पड़ेगा खाना, पता नहीं क्या बनाऊंगी मैं आज को। तो ये रहा मेरा लेमन, नहीं ये लेमन तो नहीं है, ये ऑरेंज है मेरा, लेकिन खाना ही भूल गया क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी ना बुक को लेने के लिए, तो मैं अभी इसे बढ़िया से खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा गद्दा खोद के रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक वगैरह जला देते हैं यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक का सच्चा नहीं होता है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, ऑरेंज वाओ, ब्लैक कलर वाओ, एंड माय फेवरेट कलर पर्पल कलर, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। यहाँ देखो ऑरेंज वाओ वाओ, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इतना जल्दी जो है पूरे इतना सारा तोड़ लिया है, तो देखो यहाँ पे सोचिए यहाँ पे कितने सारे होंगे। यहाँ पे है रेड रेड पिंक पिंक, रेड तो नहीं है पिंक ही है शायद। खत्म तोड़ के अभी, और यहाँ से मुझे तोड़ना है धनिया। हम लोग बाजार से खरीद के नहीं खाते हैं धनिया, सब खुद का घर से खाते हैं। अशोक का फ्लावर यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा देखते ही देखते बड़ा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का खाना वाना खा के कम्प्लीट हो चुका है रात का डिनर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर और नया एक और वीडियो में। सो गाइस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरा वीडियो इतना ज़्यादा शेक होता है ना पूरा ऐसे ऐसे करके, तो कोई बात नहीं मैं ज़्यादा फ़ोन को हिलाती हूँ और स्टेबलाइज भी नहीं है मेरा फ़ोन। तो बाय बाय गाइस और गुड नाइट, अच्छा से सो जाना और खाना पीना खाना बढ़िया भरपेट।